जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जब श्री कृष्ण कंस वध के लिए राधा को छोड़कर वृंदावन से चले गए, तब राधा की जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। राधा का विवाह हो गया, लेकिन वह श्री कृष्ण के विरह में जीती और मरती रही। लेकिन राधा ने अपना वैवाहिक जीवन भी ईमानदारी से निभाया। अपने सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा अपने अंतिम समय में अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंची। द्वारिका में उन्होंने कृष्ण के 16108 पत्नियों को देखा और उन्हें खुश देखकर वे बहुत प्रसन्न हुई। जब कृष्ण ने राधा को द्वारिका में देखा तो वे उन्हें देखते ही रह गए। राधा और कृष्ण मन में ही एक दूसरे से प्रेम भरी बातें करने लगे। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त किया। राधा द्वारिका में महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही अपने प्रियतम के दर्शन कर लेती थी। लेकिन राधा का मन अब द्वारिका में अशांत हो गया था। उन्होंने सोचा वे द्वारिका से दूर जाकर कृष्ण से आत्मिक संबंध स्थापित करेगी, इसलिए वे द्वारिका छोड़ पास के जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बहुत अकेली व कमजोर हो गई। राधा का अंत निकट आ चुका था। उन्होंने धरती पर अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए थे। उन्हें अपने अंतिम क्षणों में कृष्ण की बहुत याद सताने लगी। आखिरी समय में कृष्ण राधा के सामने भी आ गए और उन्हें अपनी बाहों में थाम लिया और धरती पर बैठ गए। कृष्ण ने राधा की अंतिम इच्छा पूछी और उन्हें कुछ मांगने को कहा। तब राधा ने कृष्ण से कहा कि वह उन्हें आखिरी बार बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती है। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली और राधा के मुख से स्पर्श कराने के बाद बेहद सुरीली प्रेम रस से भरी हुई मधुर धुन बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की मधुर धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने श्री कृष्ण की गोद में अपना शरीर त्याग दिया और हमेशा हमेशा के लिए अपने कृष्ण में विलीन हो गई। अपनी प्रेमिका की मृत्यु श्री कृष्ण बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़कर वहीं झाड़ी में फेंक दी और राधा के मृतदेह को लेकर फूट फूट कर रोने लगे। दोस्तों, उस दिन के बाद से श्री कृष्ण ने जीवन में कभी बांसुरी नहीं बजाई। राधा 100 वर्षों के विरह के बाद अपने कृष्ण में विलीन हो गई और उनका प्रेम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। राधे राधे।